अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन जी पटेल, उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूएई और डेनमार्क के ऑनरेबल मिनिस्टर्स श्री मुकेश अंबानी जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री चंद्रशेखरन जी और बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे यहां मौजूद स्टॉलवर्ड्स और बिजनेस जगत के अन्य प्रतिनिधिगण, यहां उपस्थित सम्मानित देवियों व सज्जनों एवं मेरे मीडिया के मित्रों, यह हम सभी के लिए बेहद हर्ष की बात है कि नए भारत के निर्माता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहां उपस्थित हैं। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहां आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नजाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र को सशक्तिकरण का जो मार्ग दिखाया था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत और राजनीतिक विश्वसनीयता का जो प्रतिमान आपने भारत में स्थापित किया है, वह लंबे समय तक अटूट रहेगा और देश को लगातार प्रेरित करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज राष्ट्र के कोटि कोटि जन एक साथ मिलकर नए भारत की जो विशाल इमारत निर्मित कर रहे हैं, उसकी बुनियाद में इसी विश्वसनीयता की ही मजबूती है। आज दुनिया भारत को आशा और संभावना के दृष्टि से देखती है तो उसके पीछे भी यही विश्वसनीयता है। प्रधानमंत्री जी, भारत के बदलते परिदृश्य ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। प्राचीन काल में यह देश जिन जिन चीजों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध था, यहां का उद्योग और व्यापार भी उनमें से एक था, पर कुछ ऐतिहासिक कारणों के चलते यहां का उद्योग और व्यापार गर्त में जाने लगा। इस देश ने ऐसा भी समय देखा है जब तमाम संसाधनों और उपयुक्त परिस्थितियों के बावजूद लोग बिजनेस के क्षेत्र में आने से हिचकिचाने लगे थे, यानी स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म समाजवाद के नाम पर इंडस्ट्रियलिस्ट को न केवल आगे बढ़ने से रोका गया बल्कि स्थापित उद्योगों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। समाज में ऐसा हीन दृष्टिकोण बन गया था जो औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को ऐसे देखता था मानवीय सभ्य समाज से अलग कोई गतिविधि हो, पर पिछले कुछ वर्षों में चाहे वह राष्ट्र में नए नए आर्थिक सुधार हों, बिजनेस कम्युनिटी को प्रेरित और उत्साहित करना हो, यह दिखाते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के प्रति सरकार ने एक नई अप्रोच रखी है। पुराने और अप्रभावी नियम कानून जो इंडस्ट्री के लिए रेड टेप बन चुके थे, वर्तमान नेतृत्व में रेड कार्पेट में वह बदल चुके हैं। आज बिजनेस कम्युनिटी को न केवल सम्मान और भरोसे की नजर से देखा जाता है बल्कि वेल्थ क्रिएटर के रूप में सामाजिक विकास में उन्हें एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर समझा जाता है। भारत की लगातार बढ़ती साख में हमारी बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। देवियों व सज्जनों, यह महत्वपूर्ण बात है कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डोमेस्टिक एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी भारत को भरोसे की निगाह से देख रही है, पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश के नागरिकों में देश के नेतृत्व पर, देश की संभावनाओं और क्षमता पर
एक नया भरोसा पैदा हुआ है। मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात ने जो ऊंची विकास की दर हासिल की थी वह पूरी दुनिया में चर्चा के साथ साथ रिसर्च का विषय बन गया था। अब जब मां गंगा के आदेश पर आपने उत्तर प्रदेश का हाथ थामा है तो कोई कारण नहीं कि यह उत्तर प्रदेश भी विकास और समृद्धि की वही रफ्तार न पकड़े जो किसी समय गुजरात ने पकड़ी थी। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए एक अत्यंत भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में यह उत्तर प्रदेश उभरा है। प्रदेश के बहुत ही लगनशील और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपने नाम यानी अप को लगातार सार्थक किया है। अब यूपी मतलब हेल्थ अप, यूपी मतलब एजुकेशन अप, यूपी मतलब स्किल अप, यूपी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अप, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट अप और यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अप यह हो गया है। कुछ साल पहले स्थिति यह हो गई थी कि यूपी में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट वेस्ट समझा जाने लगा था, पर आज यूपी में इन्वेस्ट बेस्ट समझा जाने लगा है। प्रधानमंत्री जी, आज दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञों और इन्वेस्टमेंट फर्म्स का यह मानना है कि 21वीं शताब्दी आपके नेतृत्व और दिशा निर्देश में भारत की सदी बनने जा रही है। आज भारत विश्व में इन्वेस्टमेंट का मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया की विकास की धुरी भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी और उसमें उत्तर प्रदेश एक प्रभावी ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। यूपी राइजिंग यानी अपराइजिंग और इंडिया राइजिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवियों व सज्जनों, आज की इस समिट में आप लोगों का पार्टिसिपेशन और पिछले कुछ समय में यूपी में हुआ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। नेतृत्व बदल जाने से कैसे पूरा परिदृश्य बदल जाता है, उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले 7-8 वर्षों में ऐसा नहीं है कि संसाधन बहुत बदल गए हों, ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे आ गए हों, बावजूद इसके हमारा देश अगर इतना बदला है तो इसलिए क्योंकि नेतृत्व बदला है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश समेत पूरा राष्ट्र विकास का शिखर चूमेगा, राष्ट्र अपनी आभा से संपूर्ण विश्व को आलोकित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसका रास्ता इस तरह के इन्वेस्टर समिट से ही होकर गुजरता है। मैं इसकी सफलता की हृदय से शुभकामना देता हूं और एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर और हम सबके मार्गदर्शन के लिए यहां पर उपस्थित होने पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं।